गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। हाँ चिल्ड्रेन, बोर्ड पेंट दिख रहा है क्या आपको? या सही दिख रहा है आप सबको? एक बार रिस्पॉन्स करो चिल्ड्रेन, बोर्ड बिल्कुल सही दिख रहा है या टिल्ट दिख रहा है? मनीषा आप लैपटॉप पर हो? मनीष कृष्ण, बताओ अब बताओ बेटा, अब सही है बताना बच्चों एक बार। कृष्णा लैपटॉप को छोड़कर बाकी बच्चों को सही आ रहा है? रिस्पॉन्स करो चिल्ड्रेन, अब सही हुआ या नहीं हुआ? ओके चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 13.3 किया था। 13.3 हमारा कंप्लीट हो गया था चिल्ड्रेन। बच्चों मुझे ये बताओ कि मुझे क्या कहते हैं, का फोर्थ तक तो मैंने करा दिया था, फिफ्थ भी मैं करवा दी थी आपको यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ आपको सिक्स से करवाना है या आपने कर लिया है? फास्ट बताओ चिल्ड्रन मुझे, फिफ्थ से कराऊं या फिफ्थ से बताना है मुझे? टेल मी चिल्ड्रन, ओके मैं वापस फिफ्थ से बता रही हूँ, ठीक है ना चिल्ड्रन? और अब
what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height? Height 8 meter and base radius 6 meter. ये जहां तक मुझे याद है चिल्ड्रन मैंने कल ये करा दिया था. अच्छा इसमें एक्स्ट्रा है. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. पाई की वैल्यू मुझे चिल्ड्रन यहाँ पे 3.14 लेनी है ना. पाई की वैल्यू मुझे 3.14 लेनी है. तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन हमें यहाँ पे मुझे कर्व सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए. तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट h square plus r square and this is equal to 8 square plus 6 square and this is equal to 64 plus 36 and this is equal to 6 or 4 10 6 3 9 or 10 100 and this is equal to 10 meter centimeter. What is this is meter, so this is 10 meter. Okay children, तो सबसे पहले तो हम सी एस ए निकाल लें इसका. कर्व सरफेस एरिया ऑफ एल दिस इज इक्वल टू पाई आर एल. वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 इनटू आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज इक्वल टू 6 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? दिस इज 10. एल इज 10. नाउ दिस इज मल्टीप्लाई कर लेते हैं चिल्ड्रन इसको. तो 6 से कर लेते हैं पहले. 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 12. 6 4 जा 24 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 12 10 और डेसिमल. दिस इज 128.40. अब यहाँ पे चिल्ड्रन हमें कह रहा है क्या, इसकी मुझे विड्थ मिली हुई है क्लॉथ की, लेंथ मुझे निकालना है ना. अब ये जो हमारा सी एस ए होगा चिल्ड्रन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? वो जो टर्पुलिन की क्लॉथ है उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ के. अब यहाँ पे मुझे इसकी विड्थ मिली हुई है चिल्ड्रन, इसकी विड्थ कितनी मिली हुई है? 3. तो मैं यहाँ वैल्यू रखूंगी 128.40 equal to L into 3. Therefore, L is equal to 128.40 upon 3. 3 से cancel हो रहा है, देखते हैं. 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6 और 24 3 8 जा 24. ये इतना मीटर हमारा इसका आ गया चिल्ड्रन लेंथ. अब आगे इसमें क्या कह रहा है चिल्ड्रन, 20 सेंटीमीटर जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है मुझे ऐड करना है. ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 20 सेंटीमीटर, तो टोटल क्लॉथ इक्वल टू ये जो हमने निकाला 42.80 प्लस कितना है हमारे पास, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर. तो ये 20 0.20 है ना. तो अब ये हो गया 43 मीटर आंसर. एक बार इसका आंसर चेक कर लो चिल्ड्रन, 13.3 का 5. Five,
यही पर गलत हो गया है चिल्ड्रन, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, और 6 3 जा 18, 1 1 8 8 4, this is equal to 1 8 8 4, and this is 0. So length is equal to 188.40 upon 3. अब इसे कैंसिल करते हैं चिल्ड्रेन, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा, एक यहाँ मिस्टेक हो गया था चिल्ड्रेन, दिस इज इक्वल टू 62.80 meter, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 62.80 प्लस 0.20 एंड दिस इज इक्वल टू 63 meter. ठीक है ना बच्चों, मैं आज आपके चैट नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मोबाइल मैंने सेट कर दिया है बच्चों. ओके ओके, ओके चिल्ड्रन, थोड़ी सी आज मोबाइल की सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी चिल्ड्रन, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ. आज मैं लैपटॉप पे नहीं ले रही थी ना, तो पहले क्लास के बच्चों को वो मोबाइल हॉरिजेंटल हो रहा था, तो तुम्हारी क्लास में मैंने इसको करेक्ट करने की कोशिश करी. ठीक है चिल्ड्रन, आ गया ना समझ में सबको? ये यहाँ पे बेटा मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, 6 3 जा 18 की जगह पर मैंने वहां 14 लिख दिया था. हो जाए तो डन लिख देना बच्चों. हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन. अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, है ना. क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा कॉनिकल टॉम्ब. अब यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, स्लैंट हाइट और बेस की डायमीटर, तो ये तो मिला हुआ है 25 और बेस का मिला हुआ है चिल्ड्रन डायमीटर, और बेस का डायमीटर कितना मिला हुआ है 14, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7. ठीक है ना. अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इन कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया के लिए चिल्ड्रन पाई आर एल चाहिए, एल चाहिए, सब मिला हुआ है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो भी है इसका नाम क्या है, ये है कॉनिकल टॉम्ब. कॉनिकल टॉम्ब इक्वल टू पाई आर एल. अब यहाँ पे चिल्ड्रन कोई कंडीशन नहीं है, जो मेरी मर्जी हो हम ले सकते हैं ना. तो 22/7 × 7 × 25, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, 22 × 25. And this is 25 2 50, carry 5, 25 2 50 or 5, 55. और ये क्या है हमारा, मीटर है या सेंटीमीटर चेक करें, तो ये हमारा मीटर है, तो दिस इज मीटर स्क्वायर. अब आगे क्या कह रहा है चिल्ड्रेन, कि 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ जो भी है हमारा व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज रुपीज, कितना रुपीज है 210 सिंस वही यूनिटरी मेथड लगेगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो 210/100 एंड देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 550 तो ये हमारा हो जाएगा 210/100 इंटू 550 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया चिल्ड्रेन, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 21 × 55 मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज रुपीज 115 और ये आपका हो गया आंसर। अब देखो चिल्ड्रन जो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, जोकर की कैप है और वो राइट सर्कुलर कोन में है, रेडियस मिली हुई है चिल्ड्रन, हाइट मिली हुई है। अब देखो जब भी हम कैप बनाएंगे चिल्ड्रन तो कैप बनाने के लिए क्या जरूरत होगा, कर्व सरफेस एरिया की नीड होगी। कैप बनाने के लिए कभी भी हमें टोटल सरफेस एरिया की नीड नहीं होती, क्योंकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया कैप की निकाल लेंगे चिल्ड्रन तो फिर सर में पहनेंगे कैसे अगर हम सर्कल का भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास R है, मेरे पास H है। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे फाइंड किया चिल्ड्रेन, आप L आराम से फाइंड कर सकते हो। अब आप निकालो और निकाल के मुझे बताओ L कितना आएगा, करो और करके बताओ मुझे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये है हमारी जोकर की क्या, ठीक है ना, इसकी मुझे मिली हुई है रेडियस, रेडियस मिली हुई है 7 और ये मिली हुई है हाइट मुझे, हाइट कितनी मिली हुई है चिल्ड्रन, ये मिला हुआ है मुझे 24 और मुझे 10 कैप्स बनाने हैं चिल्ड्रन, मुझे टोटल 10 कैप्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एल चाहिए चिल्ड्रन, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच की वैल्यू है 24 और आर की वैल्यू है 7, तो 24 मिलकर ये तो 49 हो गया चिल्ड्रन और ये होता है 576, अब ये हो गया 9 और 6 15 625 और क्या आ गया आंसर 25, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो कह रहा है हमें क्या चाहिए, शीट, शीट रिक्वायर्ड फॉर वन कैप इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिस इज इक्वल टू पाई आर एन। देख लो यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25 550, कितने कैप बनाने हैं टोटल चिल्ड्रेन, तो 10 बनाने हैं, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स इक्वल टू 550 इंटू 10
एंड दिस इज 5,500 रुपीज आंसर। ठीक है ना? इसमें ना बार बार पिक्चर फ्रीज हो जाता है, इधर से देखना ना बार बार फ्रीज हो जाता है, मोबाइल गड़बड़ है। ओके चिल्ड्रन, डन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। आप देखते हो ना वो कौन जैसी चीजें होती है जहां पर जैसे हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो वहां पर उससे उसको क्रॉस को वहां पे रोक दिया जाता है चिल्ड्रेन, ताकि वहां पे जो है कोई भी चीज तेजी से अंदर ना जा सके। तो खैर कोई भी बात नहीं है, हमें ये पता है कि कितने वहां पे कॉन्स है, तो 50 कॉन्स है। ईच कॉन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। अब यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर है चिल्ड्रेन और 1 मीटर है, और जो कॉस्टिंग हमें मिला हुआ है, जो कॉस्ट मिला है वो कॉस्ट हमें मीटर में मिला है, तो हम क्या करेंगे सबको मीटर में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे चिल्ड्रेन तो फिर मुझे क्या करना होगा कि जो कॉस्ट है उसे भी मुझे चेंज करना होगा। और इसमें इसने कंडीशन दे रखा है कि पाई की वैल्यू मुझे 3.14 लेना है, और रूट के अंदर जो 1.04 आ रहा है वो भी मैं बनाऊंगी तब पता चलेगा, वो मुझे 1.02 लेना है। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को बनाएंगे, है ना। तो पहले तो हमेशा चिल्ड्रेन वन का ही हमें फाइंड करना होता है, पहले हम वन का फाइंड करेंगे और देन हम 50 की बात सोचेंगे, है ना। तो सबसे पहले कोन का डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा कोन का डायग्राम, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मुझे क्या मिला हुआ है चिल्ड्रेन, इसकी बेस की डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो मैं यही पर इसको बदल कर 0.40 मीटर कर देती हूँ, ठीक है ना। तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.40 मीटर। लिख लेते हैं d इज इक्वल टू 0.40 मीटर, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.40 अपॉन 4 एंड दिस इज 0.20। और क्या मिला हुआ है चिल्ड्रेन, हाइट 1 मीटर, ये 1 मीटर करना क्या है, इसको मुझे इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, हम मुझे इसको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए फिर वही चिल्ड्रेन मुझे टॉप सरफेस एरिया चाहिए, उसके लिए एल चाहिए, तो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा हो गया, एच की वैल्यू क्या है 1 और r क्या है 0.20 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम चाहे तो चिल्ड्रन 0.2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस, अब ये देखो यहाँ पे 20 अगर हम ले रहे हैं चिल्ड्रन तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, है ना, लेकिन डेसिमल 4 डिजिट के बाद आएगा, तो 1, 2, 3 और 4, तो ये मेरा बन गया चिल्ड्रन 1.04। इसी को आपको बुक में दे दिया है कि इसकी वैल्यू जो होगी दिस इज इक्वल टू 1.02। अब जो ये दिया है मुझे इसी को कंसीडर करना है, ऐसे आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट भी निकालना सीखा था। अब हम निकालें कर्व सरफेस एरिया ऑफ, नाम क्या है इसका, 50 हॉलो ऑफ 1
फॉलो ओम एंड दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू लेनी है चिल्ड्रन 3.14, आर की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी 0.20 और एल कितना है हमारा ये हमने निकाला है 1.02। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ चिल्ड्रन, ऐसे ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि कितने यहाँ पे कॉन्स हैं तो 50 कॉन्स हैं। तो मैं लिखती हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 हॉलो कॉन्स, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.20 इंटू 1.02। अभी सबको मल्टीप्लाई करते हैं चिल्ड्रन, है ना। तो और इसके साथ फिर इसको मुझे क्या करना है 12 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा चिल्ड्रन। सबसे पहले देखो इन दोनों को करते हैं, तो 5 2 10 और कितने जीरो हो गए 2 0, 5 2 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है चिल्ड्रन, तो यहाँ लगा देते हैं, है ना। और अब इनटू ये हमारा 2 हो गया चिल्ड्रन, अब ये और ये बच गया, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 3 1 4 और 1 0 2। आप ही करो करके बताओ, 4 2 8 2 3 2 6 1 2 3 0 फिर 1 4 1 1 1 3 2 कितना आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आगे लिख रही हूँ, ये आ गया हमारा 8 2 6 4 10 2 3 कितना आ गया 3 2 0 2 8। अब डेसिमल लगाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो कितना इजी हो गया ना, अब तो 10 ही तो है चिल्ड्रन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 2 0 2 8 0 और डेसिमल कितने के बाद 4 1 2 3 4 ये आ गया हमारा। अब ये हमारा इतना मीटर स्क्वायर हो गया, है ना चिल्ड्रन। जितना ज्यादा आप अपने खुद से मल्टीप्लाई करोगे ना आपको उतना ज्यादा ही करने आ जाएगा। अब मुझे कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ ऊपर का रब कर रही हूँ चिल्ड्रन, डी और आर को। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू जो हमने निकाला है 3 2 decimal 0 2 8 और कितना दे रखा है इनटू 12 रुपीस। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो आप या तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो, वन टू थ्री 384 रुपीज और 336। 336 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग चिल्ड्रन, इसको लिख सकते हैं 384.30, है ना। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन और यहाँ पर ये हमारा एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है चिल्ड्रन वो हमारा स्फीयर है ना। थ्री डायमेंशनल फिगर है चिल्ड्रन, अभी समझाती हूँ क्या क्या होगा। ये सबने कर लिया,
हो गया बच्चों, सबने कर देखो, नेक्स्ट जो ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करेंगे चिल्ड्रन, ये फिगर हमारा जो है वो स्फीयर है। स्फीयर मीन्स आपका फुटबॉल। स्फीयर मीन्स आपका फुटबॉल, ठीक है ना। अब ये देखो, सबसे पहले तो जाने इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फॉर्मूलाज देखते हैं, तो ये चार सर्कल से मिलकर बनता है चिल्ड्रन, तो इसलिए ये 4πr² हो गया। और आपको पता है लैटरल हम स्ट्रेट के लिए बात करते हैं, और जब भी कर्व एरिया होता है चिल्ड्रन जब सर, तो उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये बीच से हाफ हो गया चिल्ड्रन, तो 2 हो गया, 2πr². अब देखो ये जो आपका बाउल है ना, ये हो गया, जैसे आप तरबूज होता है ना, वाटरमेलन को काटते हो तो यही शेप होता है। ये जो है चिल्ड्रन, ये जब पूरा कंप्लीट है तब तो ये स्फीयर है, और जब इसको बीच से हमने कट कर दिया तो ये बन गया, इसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर, है ना, हेमिस्फीयर। तो देखो दो तो ये है ही है बच्चों, और एक ऊपर का ये सर्कल, तो सब मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया चिल्ड्रन 2πr², और ये ऊपर वाला सर्कल πr², तो मिलकर कितना हो गया, 3πr². वॉल्यूम साथ में लिखते जा रही हूँ बच्चों हर बार, तो मैं यहाँ वॉल्यूम भी लिख देती हूँ, ये आपको आगे आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है चिल्ड्रन 4π3π। अब आर स्क्वायर जो एच था ना चिल्ड्रन, वो पाई आर क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर जो होगा ये आगे आएगा चिल्ड्रन, लेकिन फॉर्मूला में साथ आपको सब लिखा रही हूँ, ये होता है 2/3πr³। अब मैं आपको लर्न करने का तरीका सिखाती हूँ, कैसे इसको हम लर्न करते हैं और कैसे याद रखते हैं। एक सिर्फ सिलेंडर का याद कर लेना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है ना। कोन जो आता है बच्चों, कोन में ये 1/3 हो जाता है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। और अब जब हम स्फीयर में आते हैं चिल्ड्रन, तो स्फीयर में ये 4/3 होता है, होता तो यही है पाई आर स्क्वायर इंच, लेकिन सर्कल का जो एच होता है और जो सर्कल की रेडियस होती है चिल्ड्रन, दोनों इक्वल होती है, तो ये पाई एच किस में कन्वर्ट हो गया, आर में, तो ये बन गया 4/3πr³। और जब हेमिस्फीयर लेते हैं चिल्ड्रन, तो हेमिस्फीयर में ये इसका हाफ हो जाता है, तो बन गया 2/3πr³। तो इस तरह से आप सारा वॉल्यूम एक साथ लर्न कर सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है क्यूबॉइड का क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, और क्यूब का क्या होता है, क्यूब का होता है A³ जो साइड क्यूब हो गए। सारा चैप्टर का फॉर्मूला आपको एक साथ लर्न हो गया, सिर्फ एक ये याद रखना है, उसके बाद सब इन्हीं से निकला है, पहले सिलेंडर, सिलेंडर से निकला है कोन, कोन से निकला स्फीयर, और स्फीयर से फिर हेमिस्फीयर। इसको नोट डाउन कर लो चिल्ड्रन आप लोग, तब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। सबने कर लिया,
अब देखो चिल्ड्रेन, अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, रेडियस मिला हुआ है और पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, ठीक है ना। जब तक कि हमें कुछ दिया हुआ ना हो, जैसे पीछे के दो क्वेश्चन में हमें 3.14 लेने थे चिल्ड्रेन, जब तक मुझे ये नहीं दिया हुआ हो कि हमें क्या लेना है, तब तक जो वैल्यू हमें बुक ने प्रिस्क्राइब किया है वही लेंगे। बुक ने कह रखा है 22/7 तो हम वही वैल्यू लेंगे, है ना। कर दूं ना बेटा, सबने कर लिया। ये है हमारा एक्सरसाइज 13.4 फर्स्ट का। अब देखो फर्स्ट के तीनों सेम है चिल्ड्रन, पहला ही बता देती हूँ डेसिमल में है कि 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें रेडियस मिला हुआ है चिल्ड्रन, है ना, और सरफेस एरिया बताना है। आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर सरफेस एरिया। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो चिल्ड्रेन तो समझ लेना कि टोटल सरफेस एरिया ही होता है। कब सरफेस एरिया नहीं होता, जब कब सरफेस एरिया होगा तो आपको इंडिकेट किया होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अभी तुरंत बताई हूँ, 4πr² 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5 कैंसिल कर दो, 15, ये हो गया 88 × 1.5 × 10.5 करो मल्टीप्लाई बच्चों और बताओ कितना आया, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर खुद करो और मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आया। मल्टीप्लाई करो और करके बताओ कितना रहा है, कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो, इन दोनों को हटा लो, नीचे 10 कर लो, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 44, फिर ये जा रहा है 5 × 2 = 21 और फिर 2 से ये 22, थोड़ा इजी हो गया, 22 × 3 × 1 = 66 × 21 उसे भी मल्टीप्लाई करते तो 00.00 आ जाता और वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है कृष्णा, मनीष आपने भी करेक्ट बनाया, कैसे भी बना लो दोनों सेम ही होंगे। सेकंड थर्ड इसका सेम है चिल्ड्रन, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, सेकंड में डायमीटर मिला हुआ है तो पहले डायमीटर को क्या करना, डायमीटर को हाफ कर देना, रेडियस मिल जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड दोनों बन जाएंगे आपको। तो आज आप होमवर्क में फर्स्ट सेकंड कंप्लीट करके लाना, दो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड और एक्सरसाइज 13.4 फिर नेक्स्ट थर्ड से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन।